नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में अफसरों की मनमानी और काम में कोताही की खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने एक लाइन में ऐसे अफसरों को न सिर्फ चेतावनी दे डाली है, बल्कि अब कार्रवाई के मोड में भी आ गई है। इसके तहत बिहार के आधा दर्जन वीडियो पर गाजगिरी है और उनके वेतन में होने वाली बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, पीएम आवास योजना और लोहिया स्वच्छ अभियान में लापरवाही बरतने पर आधा दर्जन से अधिक वीडियो पर ग्रामीण विकास विभाग ने कार्रवाई की है। किसी की वेतन वृद्धि रोकी गई है तो किसी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और दंड देने की बात कही गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा में सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर कार्यरत तेज प्रताप त्यागी की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। ये कार्रवाई बीडीओ मधेपुर मधुबनी रहते हुए सरकार की विभिन्न योजना का ठीक से संचालन न होने के लिए की गई है। साहेबगंज के बीडीओ रहे मोहम्मद यूनुस सलीम को चेतावनी दी गई है। इन पर नियम विरुद्ध पीएम आवास स्वीकृत करने का आरोप लगा था। सलीम कलेर अरवल में बीडीओ है। कुर्था में बाल विकास परियोजना के प्रभारी रहे बीडीओ राजेश कुमार को भी चेतावनी जारी की गई है। इन पर परियोजना में हाट कुक्ड मील वितरण में उदासीनता का आरोप था। पश्चिम चंपारण में तैनाती के दौरान पीएम आवास योजना में लाभुकों को समय से किस्त न देने के कारण जमुई के बरहट में तैनात चंदन कुमार की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इसी योजना में लापरवाही और वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के दोष में मीनापुर मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहे गौराडीह भागलपुर के बीडीओ संजय कुमार सिन्हा को भी चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही इन पर कार्रवाई भी हुई है। आपको बता दें कि इनकी भी दो वेतन वृद्धि रोकने और निंदन का दंड दिया गया है। मीनापुर में ही तैनात रहे अमरेंद्र कुमार की तीन वेतन वृद्धि रोक दी गई है। अमरेंद्र अभी डुमरा सीतामढ़ी में कार्यरत हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, नल का जल और नाली गली योजना में स्वेच्छाचारित आचरण नियमावली का उल्लंघन आदि करने के लिए तत्कालीन बीडीओ अकोढ़ी गोला रोहतास की दो वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वे अरवल के सूर्यपुर में कार्यरत हैं। बड़हरा के तत्कालीन बीडीओ सुशील कुमार को भी चेतावनी दी गई है। पिछले साल ब्लॉक के एक पंचायत के उप निर्वाचन में गलत और भ्रामक सूचना देने के लिए डीएम ने कार्रवाई के लिए लिखा था। सुशील अभी चेरिया बरियारपुर में बीडीओ के पद पर पदस्थापित हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार ऐसे अफसरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है जो काम में लापरवाही बरतते हैं और अपने बड़े अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में कई वीडियो ऐसे हैं जिन पर गाज गिरी है, उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है, तो कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति यानी कि आपका बर्ताव अगर नहीं सुधरता है, आपके काम का तरीका नहीं बदलता है, तो आप पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होता है कि सरकार के इस कार्रवाई के बाद अफसर कितने सजग होते हैं और काम में लापरवाही बरतना कब तक छोड़ते हैं। वैसे तो बिहार में काम में लापरवाही की खबरें लगातार आती रहती हैं और ये भी खबर सामने आती रहती है कि बिहार के अफसर किस प्रकार से मनमानी करते हैं और सरकार के गाइडलाइन की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन अब वक्त बताएगा आगे क्या होगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।